Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. So hey guys, welcome back again guys. तो गाइस सभी का स्वागत है हमारी चैलेंजिंग सीरीज की वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं एक और चैलेंज। तो मैं आपको चैलेंज बता देता हूँ आज हम क्या चैलेंज करने वाले हैं। तो आज चैलेंज होगा गाइस AKM V6S का। आइए चलिए मैं आपको कुछ कमेंट दिखाता हूँ, जो बहुत सारे कॉमन कमेंट थे वो दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या कमेंट आए हैं। AKM V6S बहुत हार्ड, ABX Pro, PUBG Gamer Zone AKM V6S, Technos Genesis AKM V6S, Stupid Guruji AKM V6S, Bobby Sony AKM V6S, Prime Physico AKM V6S, Genius Gaming AKM V6S, PUBG Lite AKM V6S। तो चलिए गाइज हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हमें आते ही AKM मिल गई। इधर मेरे से पीछे की साइड में एक बंदा उतरते हुए देखता हूँ मैं। मैंने सोचा पहले इसी को मारते थे, फिर आराम से स्कूल को लूट लेंगे। स्कूल में जो भी सामान मिलेगा, हमें क्या चाहिए, AKM और 6S चाहिए। तो यहाँ मुझे SKS भी मिल जाती है, तो मेरे को अभी एक और AKM और 6S की ज़रूरत होती है। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा 7वां या 8वां मैच है। मैं बहुत बार ट्राई किया है, कभी मेरे को AKM मिल जाती है तो कभी 6S नहीं मिलता, कभी 6S मिल जाता है तो AKM नहीं मिलती है टाइम पे। और बंदे भी ड्रॉप ले लेते हैं यहाँ पे, मैं हर बार स्कूल कर रहा था तो बंदे भी ड्रॉप ले लेते हैं, तो उस वजह से मिशन नहीं होता है। इसमें मैंने सारी किलिंग AKM से करी हुई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे एक और AKM मिल जाती है, और किस्मत बहुत ही अच्छी होती है इस वाले मैच में, मेरे को 6S भी मिल जाता है। तो गाइस अभी मेरे को बस एक ही चीज़ इस मैच में सोच ली थी मैंने, यहाँ पे AKM जो 6S मिल गया, कि मेरे को बस किसी तरह ये मैच चिकन डिनर निकालना है ताकि मैं आपका जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर सकूँ। तो गाइस यहाँ पे AKM 6S, यहाँ पे एक बोट, बोट काफ़ी भाग रहा था इधर उधर, तो यहाँ पे मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं लूट ही रहा होता हूँ तभी मुझे साइड से आवाज़ आती है, साइड से स्विमिंग पूल में एक बंदे का होने का एहसास होता है कि शायद स्विमिंग पूल में कोई है। तो चलिए फिर उसे भी मार देते हैं, लेट्स गो। पीछे से एक बोट भी आ जाता है, खत्म कर देते हैं। तो अभी हम जाएंगे गाइस स्विमिंग पूल की तरफ, बंदे को सर्च करते हैं। और बंदा एकदम सामने लेटा होता है, मेरे को दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन फिर एकदम से दिखाई देता है और वो भी मुझे थोड़ा डैमेज देता है, बट उसकी गोलियां हिट नहीं होती है। चलिए तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी अगर कोई चैलेंज देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी चैलेंज आपका मैं कंप्लीट करूँगा। कॉमन कमेंट होने चाहिए गाइस, लाइक कोई भी चैलेंज कॉमन होना चाहिए, जैसे बहुत सारे बंदे एक ही चैलेंज को बोलते हैं, तो वो चैलेंज मैं करने वाला हूँ। तो आप लोगों को कमेंट रीड करके चैलेंज दीजिएगा ताकि जल्दी मैं एक और वीडियो लेकर आ सकूँ नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस यहाँ पे अपार्टमेंट में भी एक बंदा मेरे को दिखाई देता है, अपार्टमेंट में एक बंदा मुझे यहाँ पे मिलता है। चलिए इस अपार्टमेंट वाले बंदे को ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे भाग रहा था, मैं जाता हूँ और यहाँ पे इसे ख़त्म कर देता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ से हमें निकलना होगा, और कोई एक बंदे का और मुझे आवाज़ आती है नीचे की तरफ, कोई बंदे का आवाज़ आती है, शायद वो बोट होता है। चलो इस बोट को भी हम मार देते हैं, और बिल्कुल यहीं कर दिया। तो गाइस अभी हम दूसरे वाले अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है शायद दूसरे वाले अपार्टमेंट में कोई बंदा होता है। तो हम दूसरे वाले अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिलता है, तो हम सीधा छत पे चले जाते हैं। तभी एक गाड़ी की आवाज़ आती है, मुझे एक गाड़ी का साउंड आता है, तो एक गाड़ी जा रही होती है, तो मैं उस पर स्प्रे देता हूँ, ज़्यादा गोली करती है, गोली हिट होती है उसे, और वो पता नहीं क्या सोच के वापस आता है। डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन थोड़ा स्प्रे अच्छा नहीं होता है, वो गाड़ी यहाँ पे रोक लेता है, लेकिन पता नहीं फिर से क्या सोचता है बंदा, वो गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाता है। मतलब वो गाड़ी यहाँ पे नहीं रोकता है, गाड़ी लेके जाता है। मुझे लगा था वो आएगा, मुझे पता होता अगर वो भागता तो मैं उसको, तभी मुझे पीछे स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे को पीछे वाले बंदे को देखना होता है कि पीछे की तरफ कौन है, तभी मुझे पेड़ के पास एक स्प्रे देता हूँ और आराम से वो बंदा ख़त्म हो जाता है। मैं अपने आप को हील करके यहाँ से निकलता हूँ, इस गाड़ी वाले को पकड़ना होता है मेरे को, ये गाड़ी वाले चाहिए भाई, ये गाड़ी वाला यहाँ क्या करने आया था। तो चलिए गाइस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगा हो, और अपना चैलेंज जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके चैलेंज की हो। तो गाइस वो गाड़ी वाला बंदा मुझे यहीं पर मिल जाता है, मैं यहाँ पर रोकता हूँ गाड़ी और सीधा ऊपर जाता हूँ। बंदे के पास एक्चुअल जो होती है, मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी होती है, इस तरीके से मारते
एक्सएल की होती है, एक एक्सएल की मुझे लग जाती है मैं बचा लेता हूँ किसी तरह और छापे से ख़त्म कर देता हूँ। एके एम का डैमेज काफ़ी अच्छा है वैसे, अगर आप गोली एके एम चलाने सीख जाओ तो काफ़ी अच्छी गन भी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हील कर लेता हूँ अपने आप को और इधर कोशिश करता हूँ किसी बंदे को स्पॉट करने की। तभी मुझे एक सामने वाले घर में एक बंदा दिखाई देता है, मैं खड़े कर रहा होता हूँ, अचानक से वो मुझे स्पॉट हो जाता है, एक बंदा खिड़की के पास ही। इसके बाद मुझे वो बंदा स्पॉट होता है जब मैं उस तरफ को देखता हूँ। तो सात आठ मैच है मैंने बहुत बार ट्राई किया एके एम भी सक्सेस करने का, लेकिन हर मैच चिकन डिनर नहीं होता है। आप लोगों को पता है हर मैच चिकन डिनर आसान नहीं है, सोलो में थर्ड पार्टी बहुत होती है, और हमेशा की तरह मुझे एके एम सक्सेस भी मिल रहे थे। मैं एके एम सक्सेस से अच्छे स्प्रे और भी दे रहा था, बंदे भी मार रहा था, लेकिन लास्ट में चिकन डिनर नहीं हो पा रहा था, तो उस वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। चलिए, तो ये बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट हो जाता है खिड़की के पास ही, और देता हूँ बस पीछे से मुझे एक और स्प्रे पड़ता है। यहाँ पे बंदा जंप करने लगता है, अब पता नहीं वो क्यों जंप करता है, क्योंकि बात नहीं होती है। मैं उसे स्प्रे दे रहा हूँ, वो जंप करने लगता है, तो मैं उसे देख लेता हूँ उसमें, और जो साइड में बंदा था मैं उसे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि वो खिड़की पे आए तो उसे दोबारा से डैमेज दूँ, बट वो खिड़की पे नहीं आता है। तो मैं उस वाले बंदे को देखता हूँ कि वो बंदा सच में मीटअप के लिए आ रहा था, और हाँ जी, वो बिल्कुल मीटअप के लिए ही आ रहा था बंदा। तो गाइस मैं उसे आने देता हूँ, मुझे लगा शायद वो मुझे जानता होगा इसलिए मीटअप के लिए आ रहा है, बट उसका माइक ऑन नहीं होता है, उससे बात नहीं हो पाती है, उसने कोई हाय हेलो भी नहीं करी थी मेरे साथ। तो मैं फिर मेरी नज़र उसी सामने वाले बंदे पर रहती है जो घर के पास बंदा था, मुझे उसी से डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को लगा शायद वो बंदा कुछ, क्योंकि जब आप मीटअप कर लेते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे साइड से स्प्रे लगता है, बंदा आ रहा रहता है और ये बंदा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और लेकिन इस वाले जो मीटअप करने बंदा आया था इसे भी ख़त्म कर देता है, मीटअप वाले बंदे को यहाँ पे मर जाता है बंदा। मुझे ख़राब लगता है इस वाले बंदे के लिए कि ये मुझसे मिलने आया था और यहाँ पे ये नहीं बच पाता है। सामने से एक और मुझे काफ़ी अच्छा स्प्रे पड़ता है, और मेरी किस्मत फिर से एक और बार अच्छी होती है और मैं यहाँ पे भी बच जाता हूँ। तभी एक गाड़ी से गाड़ी की आवाज़ भी आती है, मुझे पीछे से एक गाड़ी भी दिखाई देती है आती हुई। ये बंदा बिल्कुल साइड में आ जाता है बैक के, और मैं इसे आराम से मार देता हूँ, इधर से एक और बंदे को भी हाथ से भी ख़त्म कर देता हूँ। तो कहते अभी जोन भी बन चुका होता है और मेरे को जोन की तरफ जाना होता है जल्दी से, क्योंकि अभी दो बंदे बचे हुए हैं, मैं गाड़ी लेके जोन की तरफ जाता हूँ। दो बंदे बचे हुए हैं, दोनों बंदे को मार के ये चिकन डिनर हो जाएगा। गाइस अपना चैलेंज जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट चैलेंज मैं और भी अच्छा करूँ। और अगर कोई भी कुछ भी आपको वीडियो में कुछ भी लगाओ कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में वो चीज़ और भी बेहतर कर सकूँ। ये वीडियो थोड़ी छोटी है, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा था मेरे को इधर उधर, ठीक है, तो उस वजह से मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया है। काफ़ी सी किलिंग सारी दिखाई है, जितने भी बंदे मारे हैं सभी की किलिंग दिखाई है। बाकी अगर आपको पूरे मैच की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट से जो भी चैलेंज क्लियर करेंगे उसकी पूरी वीडियो डालेंगे, क्योंकि पूरे मैच की वीडियो आपको पता है 15-16 मिनट का मैच होता है। यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है नीचे की तरफ को, मैं उसे यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, फिर दोबारा कोशिश करता हूँ, गोलियाँ हिट होती हैं उसे, थोड़ा डैमेज मेरे को, वो भी मेरे को डैमेज, और यहाँ पे मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। एक नए स्टाइल से कोशिश की थी ख़त्म करने की, अभी लास्ट बंदा बचा है, मैं इसे कुछ अलग स्टाइल से मारना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा सा ही बचता हूँ, मार देता हूँ बस। यहाँ पे बहुत सही तरीके से चिकन डिनर हमने ले लिया होता है, हमारी किल्स होती हैं 13 किल्स के साथ हमने ये चैलेंज कम्प्लीट किया एके एम सक्सेस का। तो गाइस आपका कोई चैलेंज है तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट चैलेंज हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज़।